ईद के दूसरे रोज कराची के तफरीह मुकामात पर आवाम का रश। गर्मी के बावजूद कराची चिड़ियाघर में शहरों की बड़ी तादाद में आवाजाही, बच्चे जानवर देखने और झूलों के मजे लेने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली हाफिज के। मुख्तलिफ तफरी मकामात की तरह कराची चिड़ियाघर में भी जो है ईद के दूसरे रोज बेपनाह आवाम का रश है। यहाँ पर सुबह से ही जो है मंचले नौजवान, बच्चे, फैमिलियों के हमारे यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह वक्त गुजरते जा रहा है, दोपहर का ये वक्त हो चुका है, यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो है पसंद अपने जानवर देख रहे हैं, झूलों की सवारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो खाने पीने के स्टॉल हैं उस पर भी बेपनाह रश है। जो हमारी वालदैन से बात हुई, उनका कहना है कि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उनको कराची चिड़ियाघर में जाना है सैर व तफरी के लिए। सुबह से ही जो है यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अगर बात कर लें हम सिक्योरिटी इंतजाम की, तो कराची जू की अपनी सिक्योरिटी है, इसके अलावा सिटी वार्डन है, जबकि जो इलाकाई पुलिस है वो भी जो है हर घंटे जो है वो पुलिस टीम जो है पुलिस मोबाइल में जो है वो गश्त करते यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त भी जो है सैर व तफरी का सिलसिला जारी है। शहर का अहम मकाम है कराची जू, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से जो है लोग आए हुए हैं। ये सिलसिला जारी है, जो जो वक्त गुजरता है कराची चिड़ियाघर में जो है रश बढ़ता जा रहा है। जी।